तो दोस्तों बिग बॉस को लेके खबर ये है कि सलमान खान फिर से एक बार निकी तंबोली से बहुत नाराज़ होते हुए नज़र आए। जैसा कि हमने आपको याद होगा बिग बॉस सीज़न 13 में देखा था, सलमान खान खफा थे सब घर वालों से, क्योंकि जब शहनाज गिल जो है जब वो कैप्टन बनी थी तो घर वालों ने काम करने से मना कर दिया था। किचन निहायत ही गंदी थी, बाथरूम सड़ा हुआ था, बेडरूम्स लिविंग एरिया कुछ भी साफ़ नहीं था। सलमान वहाँ खुद जाते हैं और वो अपने हाथों से बर्तन साफ़ करते हैं, किचन एरिया साफ़ करते हैं, और यही नहीं वो बाथरूम में जाके जो गिरे हुए बाल हैं उनको भी उठा के वो सफाई करके आते हैं। तो ये बड़ी शर्मिंदगी वाला मोमेंट था कंटेस्टेंट के लिए, जहाँ वो हम अंदर कमरे में बंद कर दिए गए थे और वो दूर से सलमान को सारे काम करते हुए देख रहे थे और बार बार बोल रहे थे कि सलमान जी मत करिए, गलती हो गई ये वो। लेकिन लोग सुधरते नहीं हैं, क्योंकि इस सीज़न में भी निकी तंबोली बिल्कुल ज़िद्दी और ढीठ नज़र आ रही हैं, बहुत ही बददिमाग है वो। किसी को भी, किसी भी एज ग्रुप को कभी गधा बोल देती है, अरे चल, अरे हट ना, अरे ये, मतलब बहुत ही लो लैंग्वेज वाला वो अपना वर्ड यूज़ करती हैं, जो कि बिल्कुल सूट नहीं करता उनके ऊपर। वो एक बहुत कम उम्र की बिल्कुल नई नई आई हुई एक्ट्रेस है, जिनको अभी पूरी दुनिया देखनी है, पूरा एक्सपीरियंस लेना है इस इंडस्ट्री का, फिर भी उनको बात करने की तमीज़ बिल्कुल नज़र नहीं आती। उन्होंने राखी सावंत के साथ तो जो बदतमीज़ी शुरू करी है वो अब तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। बेड बनाने के लिए घर वालों ने भले ही उनको कुछ ना कहा, जो कि बहुत ख़राब दिख रहा था, सिवाय एजाज़ को छोड़ के या फिर विकास गुप्ता को छोड़ के जो राखी सावंत को हमेशा सपोर्ट करते नज़र आए। एजाज ने तो लिटरली निकी पे कई बार गुस्सा किया कि निकी ऐसा नहीं होता, अगर आप एक से नाराज़ हो तो आप उसका बेड ना बनाओ और बाकी सबका बेड बनाओ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इग्नोर करो बट इतना मत करो कि उसके बेड को या उसकी चीज़ों को तुम हाथ मत लगाओ, जो तुम्हारी ड्यूटी के अंतर्गत आता है। तो अब सलमान खान लेंगे आज निकी तंबोली की ज़बरदस्त क्लास। बहुत ही शर्मिंदगी वाला मोमेंट होने वाला है निकी तंबोली के लिए, क्योंकि सलमान को गुस्सा आएगा। वो इस बात को बहुत दिन से देख रहे हैं कि राखी का बेड नहीं बन रहा, वो हर बार रिक्वेस्ट करती हैं, बोलती हैं, गुस्सा करती हैं, लेकिन निकी तंबोली जो है वो सुनने का नाम नहीं ले रही, सबके बेड बना देती हैं, उनका छोड़ के चली जाती है और बोलती है मुझे इसका कोई काम नहीं करना। आज सलमान जाएंगे घर के अंदर और बेड बनाएंगे राखी सावंत का अपने हाथों से, और सारे घर वाले बाहर से वैसे ही बेशर्मों की तरह देखेंगे सलमान को बेड बनाते हुए। तो बहुत ही बेशर्मी की बात है ये कि निकी तंबोली बिल्कुल भी इस तरीके की नहीं दिखती, क्योंकि सुलझी हुई समझदारी वाला कोई काम करे। सलमान को भी उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि मैं राखी को पूरी तरह से इग्नोर करना चाहती हूँ और मैं उनका बेड नहीं बना सकती। तो जब उन्होंने इतने बड़े होस्ट को मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगी, तो सलमान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और राखी सावंत सॉरी बोलते हुए दिखी, बहुत माफ़ी मांग रही है कि सलमान जी मत करिए, सलमान सर सॉरी मत करिए, गलती हो गई, जबकि इसमें राखी की कोई गलती नहीं है, राखी ने कोई ऐसा काम नहीं किया, जबकि वो इस बार फुल ऑन एंटरटेनमेंट बन के नज़र आ रही हैं घर में, फुल धमाल कर रही हैं और वही 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 बस वही दिख रही हैं घर में। और ना सिर्फ हम सबको, कंटेस्टेंट्स की फैमिलीज़ को भी राखी बहुत पसंद आ रही है। तो ये है बिग बॉस की आज की स्टोरी, और वीकेंड के बाद में सलमान और भी बहुत कुछ दिखाएंगे, जहाँ पवित्र पुनिया को हम आते देखेंगे, एजाज के साथ एक रोमांटिक बातें और सीन होगा, बहुत प्यारा सा मोमेंट होगा, वो भी एक क्यूट मोमेंट है। सलमान का ये पार्ट जो निकी तंबोली को सबक सिखाने के लिए वो घर के अंदर जाएंगे, ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। जैस्मीन के पेरेंट्स आएंगे, बहुत कुछ होने वाला है घर में देखने को मिलेगा। रुबीना की बहन आई हुई है, उनसे रुबीना की बातचीत देखने को मिलेगी। तो बने रहिए बिग बॉस में, देखते रहिए बिग बॉस, और बताइएगा हमें कि आपको आज सलमान खान का ये एफर्ट कैसा लगा, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा आप हमसे और क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। मैं रिचा आपके पास लेके फिर से खबरें आती रहूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।